हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज वीरेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज समाधान आईसीएस। मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल का। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इतने पॉजिटिव रिस्पांस के लिए मेरे इससे पहले के दो वीडियोस के ऊपर में। इससे पहले के दो वीडियोस के ऊपर में हमने बात की अर्काइव्स के ऊपर में, सबसे पहले वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे हमने बात की अराइवल ऑफ पुर्तगीज के ऊपर में। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं कि पुर्तगीज में जो सबसे पहले नेवी आए थे इंडिया में, डेट पर्सन हिज नेम वाज वास्को डी गामा, वो कैसे भारत में, उनकी क्या क्या नीतियां रही और उसके बाद में उन नीतियों के से कैसे पुर्तगाल को उससे बेनिफिट हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं वास्को डी गामा से। वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया अलोंग विद थ्री शिप्स, तीन शिप्स के साथ में वो उनकी इंडिया में शुरुआत हुई थी। ही केम अलोंग विद अ पर्सन हिज नेम वाज अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद के साथ में भारत में आए थे। अब्दुल माजिद वाज द प्रोमिनेंट पायलट ऑफ वास्को डी गामा होल हर्ड्स ऑफ द शिप। जितनी भी शिप्स थी उन सभी का मुख्य मुखिया वही था अब्दुल माजिद, जो कि गुजराती व्यापारी थे। उन जो वास्को डी गामा थे वो ही रीच्ड एट इंडिया एट द कोस्टल एरिया ऑफ केरला। द नेम ऑफ दैट एरिया वाज स्टिल इज कालीकट एंड ही मेट विद द किंग। किंग नेम वाज द किंग जमुरे। किंग जमुरे से उनकी मुलाकात हुई एंड दैट वाज वेरी वेरी फ्रेंडली वेलकम। किंग जमुरे हैज आस्क्ड वास्को डी गामा व्हाट इज द पर्पस टू विजिट टू इंडिया एंड वास्को डी गामा इन्फॉर्म्ड हिम माय पर्पस टू विजिट टू इंडिया टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ यूरोपियन मार्केट इन इंडिया एंड देन किंग जोमरे इन द रिस्पॉन्स आज व्हाट विल बी द माय बेनिफिट हाउ वुड आई गेट द बेनिफिट देन डेफिनेटली वास्को डी गामा शोन हिम द बेटर ग्रिड इन द बिजनेस इफ ही इज इंडल्स विद द बिजनेस विद द यूरोपियंस ही विल एबल टू गेट अ बेटर कमीशन देन द अदर ट्रेडर्स व्हाट ही इज गेटिंग राइट नाउ। तो यस माय डियर फ्रेंड, देन द किंग जोमरे गॉट एग्रीड व्हाट एवर प्रपोजल गिवन बाय द वास्को डी गामा एंड ही इनिशिएटेड द ट्रेड विद द यूरोपियन मार्केट। तो यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। उसको लालच दिखाया गया वास्को डी गामा के द्वारा, जो भी वहाँ पे किंग थे, किंग जमुरे, उनको लालच दिखाया वास्को डी गामा ने कि आप हमारे साथ में व्यापार करेंगे, हम आपको एक बेटर कमीशन देंगे, जो भी कमीशन आप बाकी व्यापारियों से कमा रहे हो। बट यस माई डियर फ्रेंड, नॉट नन ऑफ द लेस इट वॉज नॉट ओनली द वास्को डी गामा बट देर आर द अदर प्लेयर्स ऑल्सो प्रेजेंटेड इन इंडिया तो वर ट्रेडिंग इन इंडिया अलॉन्ग विद द वास्को डी गामा और आई विल से अलॉन्ग विद द यूरोपियन ट्रेडर्स। दोज ट्रेडर्स दोज वर द कंपिटिटर्स ऑफ यूरोपियन मार्केट वर द इंडियंस और आई विल से द लोकल प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ देम वॉज द गुजराती प्लेयर्स बिकॉज दे हैव एक्चुअली हैव अ ग्रेट होल्ड इन टू द टोटल वेस्टर्न कोस्टल एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर कंपिटिटर्स टू द वास्को डी गामा और टू द होल यूरोपियन मार्केट दोज वर द अरब्स बिकॉज अरब्स हैव वी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर सेकेंड लेक्चर अरब्स हैव ऑलरेडी हैव अ गुड ट्रेड रिलेशंस विद द इंडिया बट बाय द लैंड रूट नॉट बाय द सी रूट। द सी रूट एक्चुअली बीन डिस्कवर्ड बाय द वास्को डी गामा सो लैंड रूट हैव ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड बाय द अरेबियंस और आई विल से द पर्सन दो आर एक्चुअली हैविंग देयर होल व्हाट आई विल से क्लंचेस इन द मिडल ईस्ट एशिया सो दे हैव अ गुड एरा ऑफ ट्रेड इन इंडिया। सो अरेबियंस वर ऑल्सो द वेरी प्रोमिनेंट कॉम्पिटिटर ऑफ यूरोपियन मार्केट। अपार्ट फ्रॉम द अरेबियंस वी हैव अफ्रीकन एंड चाइनीज। माई डियर फ्रेंड, चाइनीज हैव अ ग्रेट एंड वेरी इंथुसियास्टिक रिलेशनशिप विद इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो बिकॉज आई थॉट दैट आपने छोटी क्लासेस में जिंगान डायनेस्टी, मंगोलियन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, तिब्बत के बारे में पढ़ा होगा, आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा जो इंडिया से होते हुए वाया इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान को जोड़ता है। तो वहाँ पे हमारा सिल्क का और बाकी भी कई तरह चीज़ों का व्यापार हमारा चाइना से होता था। तो चाइनीज वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेट कंपटीटर ऑफ यूरोपियन मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ पर्टिकुलर एरिया इन द इंडोनेशियन आइलैंड दैट एरिया इज द जावाज। द लोकलर्स ऑफ द जावाज आर वर कॉल्ड एज द जावनीज। जावनीज आर ऑल्सो वर ऑल्सो द वेरी ग्रेट कॉम्पिटिटर वास्को डी गामा बट नॉट इन द वेस्टर्न कोस्ट ओनली बट ऑल्सो ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में मुख्यतः चाइनीज और जो जैवनीज थे दे वर द वेरी प्रोमिनेंट कॉम्पिटिटर एंड अदर वर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, वो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स थे। सो हाउ टू कप द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स को कैसे खत्म किया जाए, कैसे अपने जो भी आपके प्रतिद्वंदी उसको खत्म किया जाए, देर वर द टू वेज। फर्स्ट आप उनको नीचा दिखा के अटैक करके उनको खत्म कर सकते हैं। दूसरा, वो जहां से भी ट्रेड कर रहे हैं डायरेक्ट उससे लिंकेज करके ज्यादा प्रॉफिट देके उसको खत्म कर सकते हैं। तो वास्को डी गामा ने दोनों ही तरह के प्लान को का चुनाव किया। व्हाट ही हैव डन, जो भी वहां के लोकल राजा थे, वो जो भी वहां पे किंग थे, उन लोगों को उसने ज्यादा अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए ज्यादा कमीशन वगैरह देने की कोशिश की
और जो वहां पे अरब्स जो भी अरेबियंस थे उनके ऊपर में छोटे मोटे कई सारे अटैक हुए। बट माई डियर फ्रेंड आई डोंट मेंशन एनी अटैक ओवर देयर इन दिस बोर्ड। द रीजन इज दैट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज आई वुड ऑलरेडी हैव मेंशनड इट, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। बट इफ यू लाइक टू इनहांस योर नॉलेज सो यू कैन गूगल इट। बट लेट मी प्रोसीड फर्दर। तो अरब्स इंडिया में आए और अरब्स को करप्ट करने के लिए वास्को डी गामा ने कई सारे टैक्स किए, कई सारी पॉलिसीज बनाई। बट दैट वाज नॉट एट ऑल वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी एंड ही रिमेन इंडिया ओनली फॉर 3 मंथ्स। एंड आफ्टर 3 मंथ्स ही कलेक्टेड एन नंबर ऑफ रॉ मटेरियल, एन नंबर ऑफ आइटम्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वॉज द पेपर, पेपरमिंट वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। एंड ही अगेन सोल्ड दोज आइटम इन द यूरोपियन मार्केट। यूरोपियन मार्केट में उसने वो सभी सभी चीज़ें, वो सभी सभी आइटम्स को सेल किया एंड ही अर्न अ ग्रेट प्रॉफिट, ही अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट। एंड दैट वॉज वेरी वेरी व्हाट आई विल से इनिशियल्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, उनको ये बात समझ में आ गई थी। इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड ऑफ द ट्रेड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक टू द टुवर्ड्स द ईस्ट। तो लुक ईस्ट की तरफ उनको देखना पड़ेगा। एंड द एरिया दैट इज टोटली व्हाट आई विल से सोने की चिड़िया पूरी तरह संपन्न था, ट्रॉपिकल ऐसा एरिया जहाँ पे सब चीज़ पैदा हो सकती थी, एंड इंडिया वाज द ओनली ऑप्शन। तो सब के सब धीरे धीरे करके ट्रेडर्स इंडिया में आने लगे, बट नन ऑफ द लेस क्योंकि पुर्तगाल ने शुरुआत की थी, तो पुर्तगाल किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहता था इंडिया को पूरी तरीके से यूज करने का अपने ट्रेड्स के लिए। सो आफ्टर वास्को डी गामा अगेन वेंट बैक टू द पुर्तगाल। सो नेक्स्ट ट्रेडर केम टू इंडिया, हिज नेम वाज पेरेडो गैब्रियल। पेरेडो गैब्रियल सेट अप ए फैक्ट्री इन द एरिया ऑफ दिस कालीकट। उसने कुछ फैक्ट्री लगाई, ऐसे सेट अप द फैक्ट्री। सो दोज ऑलरेडी बीन द कंपटीटर दे अटैक्ड दिस पर्सन, हिज नेम इज पेरेडो। पेरेडो को लोगों ने अटैक किया। अटैक करने के बाद में जो लोकल्स थे अरब्स ने दोनों ने मिलकर अटैक किया। लेटर उन्होंने इसका बदला लिया एंड ही अटैक्ड बैक ऑन द अरब्स को, उन्होंने दोबारा अटैक किया और जो अरब्स के शिप्स थे जो कोस्टल पे थे उनको वहीं के वहीं रोक दिया गया। दैट टर्म टू द ह्यूज लॉस टू द अरेबियन पीपल, और जो वहां के लोकल्स थे उनके ऊपर भी बॉम्बार्डिंग की गई। एज द लोकल गॉट द बॉम्बार्डिंग द किंग ओवर देयर गॉट हिज साइट ऑन इज ऑन दिस पर्सन मिस्टर पेरेडो गैब्रल, इनके ऊपर में उनकी नजर पड़ी। एंड देन ही केम टू अ वेरी पीसफुल ट्रीटी, पीसफुल संधि इनसे की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्विस्ट ऑफ दिस पीसफुल ट्रीटीज वॉज दैट दैट देर शुड बी नो अटैक, देर शुड बी नो इनहांस वॉर और वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन। कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी, हम आराम से जो भी बात होगी उस मुद्दे को आराम से सुलझा लेंगे। तो ये बात आगे बढ़ी, अब शांति से काम होने लगा, शांति से व्यापार होने लगा। नाउ अगेन वास्को डी गामा केम बैक टू इंडिया इन 1501 एंड ही सेट अप ए ट्रेडिंग फैक्ट्री इन 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टिल अवेलेबल इन इंडिया। फर्स्ट इज कन्नौर, द करंट नेम इज कन्नौर इज कन्नूर, देन कालीकट एंड कोचीन। माई डियर फ्रेंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू इफ यू लाइक टू सी व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स that is been fortified or that is been factoried by the Arabian sorry Portugali market, so you have to google it। आप उसको एक बार गूगल करो और देख लो कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ताकि आपको लंबे समय तक के लिए याद रहे। इसके बाद में वास्को डी गामा also took the permission from the local kings, उसने permission ली to fortify जो भी उसके वहां पे फैक्ट्रीज है उसको फोर्टिफाई, यानी उसको उस पे बड़े 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 किले बनाने की उसने परमिशन ली। एंड ही स्टार्टेड दिस विजन की जितने भी हमारी फैक्ट्री होगी उसके चारों तरफ हम बड़ी बड़ी दीवारें बनाएंगे, बड़े बड़े किले बनाएंगे, जिससे कि कोई भी इन्वेडर अगर हम तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो इजिली नहीं पहुंच पाएगा। बट माई डियर फ्रेंड ही ओनली सॉ दिस विजन, उसने सिर्फ इसकी शुरुआत की थी, उसने सिर्फ इसकी परमिशन मांगी थी। द कंस्ट्रक्शन हैज नेवर बीन स्टार्टेड इन द रेन ऑफ वास्को डी गामा, द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड लेटर ऑन इन द रेन ऑफ मिस्टर अल्मीडा। वास्को डी गामा के बाद माई डियर फ्रेंड नाउ द रेन ऑफ वास्को डी गामा हैज एंडेड। नाउ द नेक्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया फॉर द सेम पर्पज, द नेम वॉज फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा केम टू इंडिया एंड ही केम विद सम इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे भारत में भेजा गया था। सो फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ मिस्टर अल्मीडा वॉज टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम ट्रेड। जितना भी मुस्लिम व्यापार है उसको खत्म करना। मुस्लिम व्यापार या मुस्लिम ट्रेड वॉज नॉट ओनली प्रेजेंट इन इंडिया बट ऑल्सो इन द मिडल ईस्ट एरिया। माई डियर फ्रेंड फॉर योर इजीनेस आई ट्राई टू मेड ए मैप
तो ये मिडिल ईस्ट का एरिया मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। दिस एरिया इज द यमन, ये यमन का एरिया है। दिस द हॉर्मुज एरिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से अभी भी वो एरिया है, यमन है, हॉर्मुज है। एंड दिस इज द एरिया ऑफ मलक्का, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का मलेशिया के पास में। माई डियर फ्रेंड, यमन में और हॉर्मुज में फिलहाल एक तरह का डिस्प्यूट चल रहा है, देर इज अ काइंड ऑफ डिस्प्यूट चल रहा है। गो एंड गूगल इट, अपने करंट अफेयर को पक्का करो। एंड इफ यू लाइक टू रिमेम्बर कि हॉर्मुज का जो स्टेट है वो कहाँ पे कहाँ नहीं है, उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल को भी एक बार आप देख लीजिएगा। इट विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इन्होंने कोशिश की कि धीरे धीरे इसके जो ट्रेड है, जो मिडिल ईस्ट के ट्रेड है या फिर यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मलक्का के ट्रेड है, इसको भी खत्म किया जाए। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द ट्रेड, व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू टेक सप्लाई इन देयर हैंड। इनकी जो मेन सप्लाई जो वहां से होती है, इंडिया से, इंडोनेशिया से, उसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सो यस, दे हैव डन द सेम थिंग, उन्होंने इसकी सप्लाई हाथ में लेने की शुरुआत की। एंड दे स्टार्टेड क्रबिंग एनी अदर काइंड ऑफ व्हाट आई विल से कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप, बाकी जो रिलेशनशिप थे कॉम्पिटिशन, तो उसको धीरे धीरे करके उन्होंने काटना स्टार्ट किया। एंड दिस वॉज द इनिशिएट बट आई विल से दिस वॉज द इनिशिएटिव टेकन बाई द पुर्तगाल टू ट्राई टू मेक दिस पर्टिकुलर एरिया एज अ कॉलोनी ऑफ यूरोप। इंडिया को उस एरिया की, सिर्फ इंडिया के साउथ की उस एरिया को भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, यूरोप के इस एरिया को कब्जा करने की कोशिश की, ताकि वो सारी सप्लाई अपने हाथ में ले लें और किसी तरह का कोई भी ट्रेड मुस्लिम्स के पास में ना जाए। अब उसके बाद में उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू किया, जिसकी पॉलिसी पहले ही मॉस्को डी गामा में बना के गए थे। उनको जो भी वहां पे छोटे मोटे फैक्ट्रीज थी, जो भी उन्होंने स्टेब्लिश की थी, दे स्टार्टेड फोर्टिफाई, उसके चारों तरफ में किला बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, वो जो फैक्ट्रीज पे फोर्टिफाई किया वो कोची था, कोचिन था, कन्नूर था, किलवा, किलवा इज अ एरिया इन मिडल ईस्ट, यहाँ पे किलवा एरिया है। यहाँ पे भी एक छोटा सा इन्वेजन, छोटी सी लड़ाई चल रही है, मुस्लिम जो वहाँ पे डोमिनेंट कंट्री है वहाँ पे एक छोटी सी लड़ाई चल रही है। गो एंड सर्च इट, उसे भी एक बार आप देखिएगा। एंड कमेंट जो मैं मुझे बताइएगा कि किस तरह की लड़ाई चल रही है, क्या रीजन है, और फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। और जो ये कर्नाटका का एरिया है अंजना डीवा, यहाँ पे भी इस एरिया को भी उन्होंने फोर्टिफाई करने की कोशिश की। तो जैसे जैसे जो डोमिनेंस था पुर्तगालियों का वो इंक्रीज होता रहा, और अरेबियन डोमिनेंस वहां पे धीरे धीरे कम होता रहा। डेफिनेटली सी बात है, एवरी एक्शन हैव देयर रिएक्शन। सो अफ्रीकन सॉरी जो अरेबियंस थे, दे गिवन द वेरी क्विक रिएक्शन। सो अलोंग विद इजिप्ट, इजिप्ट ने क्या किया, जो रेड सी का एरिया था, यानी कि जो ये वाला एरिया था, रेड सी का एरिया था जहां से कि स्वेज कैनाल डायरेक्ट निकलती है, जो कि शॉर्टेस्ट रूट है सभी तरह की शिप्स के लिए, उस शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर में उन्होंने जितने भी ट्रेड किए जाते थे पोर्टुगीज के द्वारा, जितने भी ट्रेड किए थे यूरोपियंस के द्वारा, उनके शिप्स को वहां पे रोकना स्टार्ट किया, उनसे भारी भरकम टैक्सेस लेने स्टार्ट किए, और कई बार उनके शिप को एंकर करके वहीं हार्बर पे ही छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके उन्होंने वहां पे परेशान करना स्टार्ट किया, बट नन द लेस इसमें उनको कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। सो अगेन, उन सबसे आयरेट होते हुए, परेशान होते हुए, व्हाट दे हैव डन, दे मर्ज विद गुजराती नेवी, गुजरात की नेवी के साथ मिलके इजिप्ट में, यानी कि अरेबियंस ने, दे अटैक कलेक्टिवली ऑन द पुर्टुगिस, पुर्टुगिस के ऊपर में उन्होंने कलेक्टिवली एक अटैक किया। एंड डेफिनेटली दे कंकर्ड द पुर्टुगिस इन दैट अटैक, एंड पुर्तगाल वॉज डिफिटेड, उनकी इसमें हार हुई। एंड द मेजर डिविक्शन दैट इज बीन फेस्ड बाई द अल्मीडा एट दैट टाइम पर्सन, उसको क्या, उनकी सबसे बड़ी हार क्या हुई, उनके जो बेटे थे अल्मीडा के, उसकी उसमें मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में अल्मीडा ने इसका बदला लिया, उन्होंने दोनों की नेवी पे कलेक्टिवली एक अटैक किया और दोनों की नेवी को हरा दिया, और बाद में उनके साथ में कुछ पीसफुल संधियां की और अरब को वहां से इन्वेड कर दिया, एक तरीके से पूरी तरह से पीछे टिकेल दिया। और उनका जो एक बड़ा विजन, उसके बाद में एक बड़ा विजन बन गया पूरे पुर्तगाल के लिए, पूरे यूरोप के लिए, दैट विजन वाज मास्टर ऑफ इंडियन ओशन और आई विल से ब्लू वाटर पॉलिसी। उनका सपना था पूरा ही पूरा जो इंडियन ओशन में ट्रेड होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगीज के द्वारा या यूरोपियन मार्केट के द्वारा ही किया जाएगा। सो टिल नाउ फ्रेंड, वी हैव डिस्कस्ड कि पुर्तगाल भारत में कैसे आने लगे। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस कि इसके बाद में जो बाकी ट्रेडर्स आए थे, what kind of policy they have forced to India and how they try to make India as a colony, but how they have failed. So till now, thank you so much.